हेलो एवरीवन, हमने जीबीपी यूएसडी में एक डाउन ट्रेड लिया था, वो टारगेट अचीव हो चुका है। तो इस ट्रेड में हम जानने वाले हैं कि हमने ट्रेड कैसे लिया, क्या एनालिसिस किए, कैसे कहाँ पे एंट्री ली और कहाँ पे एग्जिट ले, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो चलिए बने रहिए। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएँगे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश था, ठीक है। एट दिस पॉइंट यहाँ पे बुलिश था, ये हमारा हायर हाई था, ये हमारा हायर लो था, ठीक है। देन अगेन एक हायर हाई फॉर्म किया, देन अगेन मार्केट दोबारा हायर लो पे आया, ठीक है। यहाँ पे अगेन एक हाई दिया, लेकिन यहाँ पे ब्रेक कर दिया प्रीवियस लो, यानी मार्केट अब डाउन ट्रेड शुरू कर चुका है वीकली में। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमारा वीकली जो है वो बेयरिश है। देन हम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। डेली डेली में यहाँ पे आपको सिंपली दिख रहा होगा कि मार्केट बेरिश है, हायर हाई सॉरी लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो डेली भी हमारा बेरिश है, उसे भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन हम 4 आवर में जाएंगे। ये तीन मेजर टाइम फ्रेम है स्विंग ट्रेडिंग में। डेली, वीकली और 4 आवर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 4 आवर में भी देख सकते हैं मार्केट हायर लो लोअर लो लोअर हाई फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर भी 4 आवर में भी मार्केट का डायरेक्शन बियरिश है, ठीक है, यानी डाउन डायरेक्शन में है। ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ये सिंपल है, ये सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेंशन कर दिए कि वीकली डेली और 4 आवर हमारा बियरिश है 30%, यानी तीन में तीन इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, तीन बड़े टाइम फ्रेम, वीकली डेली और 4 आवर हमें बोल रहे हैं कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में है। तो हम जो भी ट्रेड लेंगे डाउन डायरेक्शन में लेंगे। अब क्यों लेंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट हमें नहीं जाना है, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। अब हमारा काम है कि हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें। जो भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो डेली बेसिस में करते हैं, यानी डेली कैंडल स्टिक में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, जहाँ से मार्केट का मूव होना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पे एक बार रिजेक्ट हुआ था, सेकेंड टच, थर्ड टच, एटलीस्ट 3 टच होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 टचेस हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रांग जोन है। यहाँ पे तो और भी ज़्यादा टच है, सेकेंड में 3 टच 4, ठीक है, ये पांचों हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। ये भी एक स्ट्रांग जोन है। देखिए जोन ड्रॉ करना, आप आज से स्टार्ट करेंगे तो आज से परफेक्टली ड्रॉ नहीं होगा, वो धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सही होगा। यहाँ पे तीसरे जोन देखेंगे आप, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड टच, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। ये तीन जोन हमने डेली बेसिस में ड्रॉ किया है, ठीक है। बाकी कोई इंडिकेटर कुछ नहीं है, ठीक है, बस ई एम ए है, एक 50 है, एक 21 है, जस्ट एक एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन के लिए हम उसे यूज़ कर, ठीक है। देन हम जाएंगे 4 आवर में, ठीक है। 4 आवर में पहला ट्रेड मैंने कर लिया था एट दिस पॉइंट, ठीक है। वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, वो क्यों हुआ था मैं बताऊंगा, ठीक है। तो और थोड़ा जूम इन करते हैं, 1 आवर में जाते हैं, ठीक है। हम सिर्फ दो टाइम फ्रेम में, सॉरी दो सेशन में ट्रेड लेते हैं, एक है लंदन सेशन, दूसरा है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। यानी 12:30 PM से 8:30 PM तक हम ट्रेड लेते हैं, उसके पहले नहीं लेते, उसके बाद नहीं लेते, ठीक है। तो ये था कि डेली में, ठीक है, मैं आपको शो कर देता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, सिंपल रिटेस्ट देगा तो हम डाउन के लिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मंडे 11 सितंबर को एक बुलिश कैंडल बना जो जोन के नीचे क्लोज हुआ, इसका मतलब अगले दिन पक्का बियरिश होगा। तो यहाँ से हम लोग का टारगेट था कि हम सेल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। और थोड़ा जूम इन करते हैं 4 आवर में, 11 सितंबर को ही इस कैंडल, ये 4 आवर का कैंडल है, 1 आवर के कैंडल में जाएंगे। 1 आवर के कैंडल में यहाँ पे जैसे ही मार्केट इस जोन के अंदर गया, हम वेट कर रहे थे कि जोन का ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट दे, हम सेल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। मगर मुझे लगा कि ऐसा लगा कि मार्केट ब्रेक कर देगा, एक स्मूथ मूव देगा, तो वापस रिटेस्ट का मौका नहीं देगा, तो इसीलिए मैंने हड़बड़ी में यहाँ पे ट्रेड एंटर कर दिया सेल का, ठीक है। स्टॉप लॉस इस जोन के अभाव, और टेक प्रॉफिट था हमारा ये, फर्स्ट टेक प्रॉफिट तो ये था, ठीक है। एंड इनिशियली क्या होना, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ठीक है। ये लॉस होना ही था क्योंकि कन्फर्मेशन नहीं मिला था, ठीक है। तो ये लॉस, ठीक है, लॉस हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम, आज कल था 11 सितंबर, ठीक है, आज है 12 सितंबर। आज मैं वेट कर रहा था कि सेशन ओपन हो जाए, ठीक है। लंदन सेशन ओपन हो गया 11:30, ये 1 आवर का कैंडल है, ठीक 12:30 बजे ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया
1 आवर चार्ट में कैंडल में, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा यहीं कहीं पे था और टारगेट था एटलीस्ट 1:3 अचीव, ठीक है। यहाँ पे हमारा ट्रेड एंटर हुआ, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, ये हमारा टेक प्रॉफिट। दो कैंडल में ही हमारा टेक प्रॉफिट TP3 हिट हो गया। ये स्विंग ट्रेडिंग था, ये स्विंग ट्रेड था, 2 घंटे में ही हमारा स्विंग ट्रेड टीपी हिट कर गया, तो ये बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक ट्रेड मैंने दूसरे USD JPY में भी एक ट्रेड लिया था, ठीक है। ये फिलहाल ऑनगोइंग है, टारगेट है यहाँ पे, ठीक है। इसका ब्रेकडाउन भी और एक वीडियो में हम करेंगे। उसके पहले बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पे टेलीग्राम में मैंने सेम सिग्नल दिया हुआ था, ये था सितंबर 11 को, मैंने बोला था कि JPY USD यहाँ से डाउन जाएगा, वेट करना है, जोन के बाहर आएगा, रिटेस्ट देगा, डाउन के लिए जाना है, ठीक है। अगेन और एक कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था, वेट फॉर 1 आवर कैंडल टू ब्रेक द जोन एंड गिव ए रिटेस्ट देन गो फॉर सेल, ठीक है, मैंने बोला हुआ था। देन अगेन ये हमारा रिजल्ट है, पहला वाला स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन सेकेंड वाला TP हिट हुआ 1:3 वाला, ठीक है। अगर आप फ्री में सिग्नल या एनालिसिस लेना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप ट्रेड ब्रेकडाउन देखने में आपका इंटरेस्ट है, ऐसे ही आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम पर्सनल अकाउंट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।